खैबर नहीं तवा पख्तूनख्वा जी। तो अब आपको विजिट करवाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का और तमाम कल्चर आपको दिखाया जाएगा। आप लोगों ने ये वीडियो असल गाने उनके पास, अगर आप लोग पिरसा जाके नहीं देख सके तो हमारे वीडियो के जरिए आप तमाम लोग पिरसा इंजॉय कर सकें। नहीं बेटा सेल हो गई। हाँ सेल हो गई है। ये 5,500। अच्छा ये जी 5,000 की है ये ट्रे। हाँ जी। और ये टेबल, टेबल ये 4,500 के। अच्छा जी ये 4,000 का टेबल है। इनके पास बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से बाय करें और अपने घरों को सजाइए अपने ही मुल्क की चीज़ों से। कितना वक्त लगता है इसमें? एक दिन में एक बनाता हूँ। और इसकी क्या? और ये 1,500 रुपये का। तो केपी से यहाँ जब आए हैं इस्लामाबाद, लोग अपना ये आर्ट दिखा रहे हैं, कितना पसंद किया जा रहा है? जी हाँ, ये हमारी जो हौसला अफजाई है तो के का जो इदारा है टूरिज़म, वो हमें जो है तो प्रमोट करता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारी जो चीज़ें हैं ये लोग पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं। तो मैं जो है तो घर में बैठ के बनाता हूँ, तो ऐसे इवन हो तो वहाँ जा के। और ये ड्राइवर में कितना वक्त लगता है? ये जो आज ये देखें जी फातिमा भरपूर शॉपिंग में मसरूफ। बहुत खूबसूरत वर्क है और प्राइसेस भी इनकी रीजनेबल है। The northwestern province of Pakistan is Khyber Pakhtunkhwa, popular for its lush green landscapes, highest peaks, indigenous cultures, tasty food, and the Afghan border connecting with Central and South Asia. Khyber Pakhtunkhwa is Pakistan's first. नहीं इब्राहिम बच्चे देखें कितने खुश हो रहे हैं। Civilizations excelled here, paving the way for unique architecture and glories of people. Empires were built and ruined, but life went on as dignified as it could be. पहले बना लेते हैं हम वीडियो और फिर उसके बाद finally
फीचर आपको दिखा रहे हैं। इनके ट्रेडिशनल कैप, फातिमा हमें कैप पहन के दिखाएंगी। फातिमा कैप पहन के दिखाएं आप हमें, कोई सी भी एक पहन के दिखा दें आपको। देखें फातिमा कितनी अच्छी लग रही है। चलिए फातिमा रख दें क्या। अब दिखाते हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान की जूरी। ये देखिए आपके पास कौन सा स्टोन है ये जिसकी चीजें बनी हुई है? जहरमोरा पत्थर है। जहरमोरा पत्थर, अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान का बहुत मशहूर एक पत्थर है। अच्छा, इसका नाम है जहरमोरा, मेरा ताल्लुक है कर्दोशी घर से। अच्छा, बाकी ये डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, बाकी ये हर जादू वाला ताजात के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, ये क्या नाम है इसका? चोगा। अच्छा जी, ये गिलगित बल्तिस्तान का ट्रेडिशनल चोगा। और देखें बच्चों के भी चोगे यहाँ मिल रहे हैं, तो ये सारी इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। अच्छा, ये सिल्वर है जी मैडम। आप मुझे इनके पास ये देखें, इस स्टॉल पे आपको सिल्वर के रिंग्स में रियल स्टोन्स मिलेंगे। यहाँ हमने तमाम गिलगित बल्तिस्तान को कर दिया है। आफ्टर गिलगित बल्तिस्तान हम आपको सैर करवाएंगे बलूचिस्तान की। सबसे पहले हम आपको बलूचिस्तान का प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद विजिट करवाएंगे जा रहा है कि कैसे हाथ की खड्डी पे शॉल तैयार करती है। मैं जरा करीब से करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी मेहनत से शॉल तैयार की जा रही है और कितना सीक्वेंस रखा जा रहा है धागे का। आप देख सकते हैं कि ज़मीन में एक घड़ा खोदा गया है जिसमें उन्होंने अपने पांव डाले हुए हैं और वो एक प्रॉपर टेक्निक से ये सारा काम कर रही है। तो ये सारी शॉल्स लगी हुई है जो इसी खड्डी पे तैयार हुई है। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि धागा कैसे बनाया जाता है और ये आई थिंक चरखा चला रहे हैं बाबा जी और उस पर धागा बनाया जा रहा है जो खड्डी में शॉल और दरी बनाने के काम है। नेक्स्ट, यहाँ ये खड्डी लगी हुई है जिस पे दरी तैयार होती है, वो भी आपको करीब से शो करते हैं। अच्छा, ये बलूचिस्तान का कल्चर आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब ये व्लॉग हम बलूची बना रहे हैं, बलूचिस्तान की साइड पे आए हैं और ट्रेडिशनल इनके ड्रेसेस ये फातिमा आपको दिखा रही है। इनकी जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये के ट्रेडिशनल जेवरात हैं, मास्क, देखें इन्होंने ट्रेडिशनल मास्क भी बना लिया। रोची टांका आपको करीब से शो करवा रही है। Thank you.
इंजॉय कर रही हैं और ब्लॉग में कोई हिस्सा ले रही है। देखें आपको बिल्कुल वैसे ही एक ही स्टाइल के पहनेंगे जो ब्लोची यहाँ जी ब्लोची ट्रेडिशन हो गया ख़त्म। अब आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हम कहाँ नेक्स्ट आपको विजिट करवा रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का। ये आ चुके हैं हम कश्मीर कश्मीर साइड पे आ चुके हैं कश्मीर के खूबसूरत लोगों के साथ कश्मीर के ट्रेडिशनल आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। और कभी कभी फातिमा हाँ फातिमा आप कश्मीर में घूम रहे हैं ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है ये बक्सा बन रहा है और नीचे दिखाते हैं सारा हैंड वर्क किया हुआ है उन्होंने ये कश्मीर की कश्मीरी शॉल्स इसी खड्डी पे ऐसे ही खड्डी पे तैयार होती है ट्रेडिशनल कश्मीरी फर्नीचर। ये अलमारी देखें कितनी खूबसूरत है ये डोर और ये है जी बाकी फर्नीचर शॉल्स। तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे रेशम के कीड़े से इस मशीन की मदद से यहाँ की रेशम से रेशम तैयार हो रहा है मीन रेशम के कीड़े से रेशम का धागा तैयार किया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आप करवा रहे हैं जिसे सामने ही झूले लगे हुए हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि पहले वो लोग झूले लेंगे। आज़ाद हाँ जी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कैप फातिमा पहन के दिखाएंगी जी। देखिए तो फातिमा कितनी क्यूट लग रही हैं क्या प्राइस है इसकी हाँ फातिमा 700 इसकी है जी प्राइस। अब बच्चे ले रहे हैं जी झूले और हम थोड़ा बैठ के कर रहे हैं और अब फुल डे एंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं जी घर। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अब हम चाहते हैं इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।